लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों के धरना प्रदर्शन को सियासी घमासान चल रहा है। पार्टी विधायक आज सुबह 11 बजे विधानसभा के बाहर धरना देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया। एसपी के अमरोहा विधायक समरपाल सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अभी आगे तस्वीरें जो होगा वो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ में मानसून सत्र पर सियासी एक्शन जो है ये आपको हम दिखा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायकों का ये प्रदर्शन चल रहा है। दो सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष और समर्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जरा बताइए मानसून सत्र पर ये सियासी एक्शन क्या है, किस बात को लेकर है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर उठा उठा कर टांगों से ले जाया जा रहा है, तो क्या मसले हैं जिनको लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने शुभांकर कल ये निर्णय लिया था कि मानसून सत्र से 3-4 दिन पहले वो लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। उनका ये कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा में जहां पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति बनी है वहां बैठकर धरना देंगे, और इसलिए उनको 100 MLA तैयार थे, हर दिन एक नए बड़े फेस को लीड करना था। आज वो बारी समाजवादी पार्टी के MLA जो कि रायबरेली से है मनोज पांडे की थी, कल किसी और की थी, तो इस तरह से पूरी प्लानिंग हुई थी। पर आज सुबह होते होते यहां पर सबको हाउस अरेस्ट किया गया। सुबह जब आज तक की टीम पहुंची तो उन्होंने बताया कि सबको हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस की टीम रात में 12 बजे से उनके आवास पर पहुंच गई है, और इस वक्त जब प्रोटेस्ट एक जत्थे का खत्म हुआ है और हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर है, और आप बैरिकेड आप पीछे देखेंगे अगर मेरे, तो आपको तमाम बैरिकेड्स यहां पर नजर आएंगे, पुलिस फोर्स नजर आएगी। शुभांकर, ये देखिए आप, इनको तमाम तरीके के जो दिए गए हैं चीजें दी गई हैं, इनको बॉडी वॉर्न जैकेट्स दिए गए हैं, इनके पास हेलमेट्स हैं, क्योंकि अगर हिंसा बढ़ती है कहीं ना कहीं, अभी आपने जैसे विजुअल्स में देखा है कि उठा उठा कर लोगों को बसेस में रखा गया है, इसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें इसीलिए यहां पर जो वुमेन कांस्टेबल्स हैं उनको भी तैनात किया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है, पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। मैं जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं ये विक्रमादित्य मार्ग है, और यहां से विधानसभा हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सपा का यह कहना है, उनका लोकतंत्र में ये अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दें। जो महंगाई का मसला है, जो तमाम मसले हैं जो सपा बीजेपी के खिलाफ उठाना चाहती है, उसको लेकर प्लानिंग हुई थी, पर रात होते होते ही पुलिस की टीम उन विधायकों के घर पहुंच गई। पर जब सारे विधायकों के घर पहुंच गई तो कुछ विधायक कामयाब रहे यहां पर आने के लिए, जिसमें से अमरोहा के विधायक को डिटेन कर लिया गया। उदयवीर सिंह जो कि पूर्व MLC हैं वो भी यहां से डिटेन किए गए हैं, काफी लोगों को डिटेन किया गया, बसेस गई हैं, और अभी भी आप देखेंगे पूरी फोर्स यहां पर शुभांकर तैनात है। बारिश का मौका है और ऐसे समय पर भी लगातार जो है प्रोटेस्ट यहां पर चला है। जिस तरह से बसेस आप पीछे देखेंगे, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे, ये तमाम बसेस और PSC की ड्रग्स अभी भी यहां पर लगी हैं, क्योंकि अगर यहां पर प्रदर्शन और उग्र होता है तो यहां पर इन सबको इसमें रखा जाएगा और इको गार्डन भेजा जाएगा। एक जत्था इको गार्डन वैसे ही भेजा जा चुका है, जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि आप प्रदर्शन यहां विधानसभा पर नहीं कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप इको गार्डन में करें, जबकि यहां पर विधायकों का यह कहना है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमको इलेक्ट किया गया और हमारा अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के बाहर बैठकर आवाज जनता की उठा सकते हैं, और गहमा गहमी के बीच में यह प्रदर्शन होना। बिल्कुल बिल्कुल समर्थ, आप बने रहिए, हमारे एक और सहयोगी आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, समर्थ को मैंने देखा और आपको भी देख रहा हूं, आप दोनों छाता लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि मौसम में तो थोड़ी राहत मिल गई है लेकिन सियासी पारा जो है वो बढ़ गया है। जरा बताइए ये कितनी तपिश आप महसूस कर रहे हैं लखनऊ में आज, जब मानसून सत्र से पहले ये पूरा हंगामा हो रहा है। देखिए शुभंकर, जिस तरीके से ये हंगामा सुबह से शुरू हुआ, आज सभी जो विधायक थे आज पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही तैयार था, और बारिश का मौसम है लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। उनका मानना था कि वो आज किसी भी तरीके से विधानसभा का कूच करेंगे, और यही वो वजह है कि सुबह से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस विभाग ने, पुलिस कमिश्नरेट ने पूरी तरीके से सभी को हाउस अरेस्ट भी किया और रोकने की पूरी पुरजोर कोशिश भी की। हालांकि जिस तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई थी, मानना यही कि विधानसभा सबसे सेंसिटिव एरिया आता है और वहां तक अगर ये पहुंच जाते हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी विपक्षी दल अगर प्रदर्शन करते करते विधानसभा तक आ जाता है तो ऐसे में साख पर सवाल आ जाता है सरकार की। तो ऐसे में प्रशासन ने और पुलिस विभाग ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं विधानसभा तक ना पहुंच पाए। हालांकि जो निर्णय लिया गया था, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें इको गार्डन एक सुनिश्चित जगह की गई है कि वहां पर आप प्रदर्शन करिए, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी MLAs हैं और पार्टी के जितने नेता हैं वो चाहते थे कि वो प्रदर्शन करते करते विधानसभा तक जाएं और सरकार को अपनी आवाज उठाएं और जनता से अपनी बात रखें। बारिश होने के बावजूद भी आज हम तो छाता लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बारिश में ही ये पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है, ऐसे में कोई भी रोकने को तैयार नहीं है विधानसभा से लेकर। नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई नई खबर या नई तस्वीर आएगी आपके पास हम फिर लौटेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे।